चुनाव और सियासत, इन दोनों का असर लोगों पर तो पड़ता ही है, साथ ही इसकी झलक अब त्योहारों पर भी साफ नजर आने लगी है। मकर संक्रांति को ही ले लीजिए, क्योंकि संक्रांति पर लोगों को सबसे ज्यादा लुभाती हैं पतंगे, और इस बार की तो पतंगे भी खास हैं और इनकी डिमांड भी काफी ज्यादा है, क्योंकि बाजारों में उतारी गई है सियासत के बड़े नामों की तस्वीरों वाली पतंगे, जिन्हें लोग खूब पसंद करें। हालांकि पतंगों पर भी महंगाई का असर साफ नजर आ रहा है, करीब दोगुने हो चुके पतंगों के दाम, लेकिन फिर भी संक्रांति के मौके पर आसमान में इस बार तमाम तरीके की कलरफुल पतंगे नजर आ रही हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस की तस्वीरें लगी हुई हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति का मौका हो और पतंगबाजी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संक्रांति पर पूरा आसमान। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगों से ढक जाता है। राजस्थान में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की परंपरा है, लेकिन इस बार की पतंगे खास है और पतंगबाजी भी। साल के आखिर में राजस्थान में चुनाव होना है, जिसका असर पतंगों पर भी नजर आ रहा है। प्रदेश में गद्दी के लिए हो रही सियासत अब मकर संक्रांति पर आकाश में दिखाई दे रही है। हालांकि किसकी पतंग कटेगी, किसकी बचेगी, ये पतंगबाजों पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल पतंग के कारोबारी भी सियासत के इस मौके को भुनाने में लग गए। बाजार में सियासतदानों की तस्वीर लगी पतंगों की जमकर बिक्री हो रही है। पतंग के कारोबारी भी ज्यादा से ज्यादा सियासतदानों की फोटो लगी पतंगे बाजार में उतार रहे हैं, जिसका उन्हें मोटा मुनाफा मिल रहा है। एक समय पर मकर संक्रांति के पर्व पर बाजारों में फिल्मी हीरो हीरोइन और खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी पतंगे ही पतंगे कारोबारी बेचते थे और उन्हें लोग जमकर खरीदते भी थे, लेकिन समय के बदलाव ने सियासतदानों की फोटो लगी पतंगों ने फिल्मी हीरो हीरोइन को पीछे छोड़ दिया है। आज बाजार में कहीं पर भी फिल्मी हीरो हीरोइन वाली फोटो वाली पतंग नहीं मिलती है। हालांकि सियासत के चमकते चेहरों वाले पतंगों की दौसा जिले के बाजारों में जमकर बिक्री हुई है। पतंगों का कारोबार पहले से थोड़ा सा कम है महंगाई की वजह से, लेकिन नेताओं की या फिल्म स्टारों की जो भी पतंगें आती है वो आते ही डिमांड उनकी इतनी होती है कि आते ही बिक जाती है। बाकी तेजी की वजह से जो महंगाई की मार है वो आम जनता पे है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह से कारोबार में 20% की कमी है, एवरेज 35% की तेजी लगभग व्यापार के अंदर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं की तस्वीरों वाली पतंगों का ही दौर रहा है, इन पतंगों के अलावा भी बाजार में कई तरह के रंग बिरंगे पतंग मिल रहे हैं। वहीं बच्चों के पसंदीदा कार्टून लगे चित्र वाले पतंग भी खूब बिकी। पतंग पर मोदी की फोटो के साथ साथ चीते की लगी फोटो वाली पतंग भी जमकर बिक रही है। तो वहीं आई लव इंडिया और हैप्पी न्यू ईयर 2023 लिखी हुई पतंगे भी बाजार में पतंग कारोबारियों के लिए सजी हुई नजर आ रही है। पहले पतंग जैसे खिलाड़ियों की पतंग आती थी, फिल्मी हीरो की पतंग आती थी, आजकल वो नहीं आ रही है। आजकल कार्टून की प्रिंटेड पतंगे, नेताओं की पतंगे आ रही है बाजार में। इस टाइम बिल्कुल अलग पैटर्न हो गया, ज्यादा पतंग तो ये कार्टून वगैरह की बिक्री है, नेताओं की बिक्री है। पतंग कारोबारियों की माने तो महंगाई के चलते पतंगों के दाम भी आसमान पर है, जिसका असर उनके कारोबार पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पतंग की कारोबारी सियासतदानों के चित्र लगी पतंगों की ज्यादा बिक्री से खुश भी है और राहत भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले इस बार बाजारों में पतंगों के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। ऐसे में पतंगबाज जरूर मायूस हैं, क्योंकि पहले वो जिस खुले मन से खरीदारी करते थे वैसे इस बार नहीं कर पा रहे हैं। पतंग की महंगाई को देखते हुए पतंग कम खरीदारी कर रहे हैं हम, और ये अब की बार गई की तुलना में तो बहुत ज्यादा पतंगों की महंगाई कर दी गई है। जो हम बेरोजगार हैं और क्या कर सकते हैं, तो हम पतंग भी कम ले रहे हैं, और उत्साह इतना है कि पतंग हम 2-3 दिन तक कंटिन्यू उड़ाते थे, लेकिन अब की बार ऐसा होगा नहीं। प्रदेश और देश की सियासत में किसकी पतंग चमक रही है और किसकी कट रही है, ये तो सबके सामने है, लेकिन मकर संक्रांति पर किसकी पतंग कटेगी, किसकी आकाश में उड़ेगी, ये तो पतंगबाजों का हुनर ही तय करेगा। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।